हेलो माय डियर मॉमीज एंड हेलो माय डियर मॉम्स टू बी, मैं हूं सपना और अर्बन इंडियन मॉम्स में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि छोटे बच्चों को उनके एज के अकॉर्डिंग हमें कितना दूध पिलाना चाहिए। एज अ मदर हमें हमेशा इस बात की चिंता लगी रहती है कि हमारा बेबी ठीक तरह से दूध पी रहा है या नहीं, उसका पेट ठीक तरह से भर रहा है या नहीं, कहीं वो फीडिंग करने के बाद भी भूखा तो नहीं रह रहा है ना। छोटे बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग हमें कितना दूध पिलाना चाहिए ताकि उनका ग्रोथ भी हेल्दी हो सके और उनका वेट भी इंक्रीज हो सके, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप एक न्यू मदर है, अभी अभी एक छोटे बच्चे की माँ बनी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में ही ये वीडियो और इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी भी पसंद आए और हमारी मेहनत को अप्रिशिएट आप करना चाहें तो इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं छोटे बच्चों की उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी मिल्क की रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर आप अपने बच्चे को ब्रेस्टफीडिंग कराते हैं तो आपके लिए ये निश्चित करना थोड़ा इजी हो जाता है कि बच्चे को कब और कितनी भूख लगी है और उसे कितना दूध पिलाना है, क्योंकि ब्रेस्टफीडिंग करते जो बच्चे होते हैं वो अपने आप ही जब उन्हें भूख लगती है तब कुछ ऐसे इशारे करते हैं, रोने लगते हैं या फिर अपने हाथ पैर हिलाते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि अब बेबी को भूख लगी है और उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। साथ में ही बच्चा खुद ही जब तक अपना पेट भर ना जाए तब तक ब्रेस्ट फीडिंग शांति से कर लेता है। लेकिन अगर आपका बेबी फॉर्मूला मिल्क ले रहा है तो आपके लिए ये सुनिश्चित करना ज़रूरी हो जाता है कि बच्चे को कब हमें कितनी मात्रा में दूध पिलाना है उसकी एज के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इसी बारे में जान लेते हैं कि बच्चे को हमें फॉर्मूला मिल्क उसकी एज के अकॉर्डिंग कितनी मात्रा में और कितना पिलाना है। अगर हम वेट के अनुसार सोचें तो बच्चे को हमें फार्मूला मिल्क पूरे दिन में एक समय पे 150 ml से लेकर 200 ml तक पिलाना होगा। जैसे कि अगर आपका बेबी 3 kg का है तो उसे पूरे दिन में यानी कि 24 आवर्स में हमें 500 ml से 600 ml के बीच फार्मूला मिल्क देना चाहिए। इतने मिल्क की रिक्वायरमेंट 3 kg तक के बच्चे की होती है एक दिन की। अब बात करते हैं एज के बारे में कि हमें एज के अकॉर्डिंग बच्चे को फार्मूला मिल्क कितना पिलाना चाहिए। तो देखिए, जन्म के बाद पहले एक या दूसरे वीक तक बच्चा एक बार में 50-60 ml दूध एक बार में पी पाएगा, क्योंकि बच्चे का पेट बहुत ही छोटा होता है, प्लस बच्चा इस दूध पीने की प्रक्रिया को सीख रहा होता है, इसलिए इससे ज़्यादा दूध बच्चा पहले एक या दो वीक में नहीं पी पाएगा। अब दो वीक से लेकर दो महीने तक के बच्चे की मिल्क की रिक्वायरमेंट एक समय पर 80 ml से लेकर 110 ml जितनी हो सकती है। इसके अकॉर्डिंग आपका बच्चा पूरे दिन में 500 ml से लेकर 700 ml जितना फॉर्मूला मिल्क पी लेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे के लिए फॉर्मूला मिल्क प्रिपेयर करें और उसे पिलाएं। वैसे ही भले ही आपका बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं लेकिन फॉर्मूला मिल्क ले रहा हो, लेकिन अब वो दो महीने तक का हो जाएगा, इसलिए आप खुद भी समझ पाएगी कि उसे अब कितनी भूख लगती है, कितने समय पर उसे दूध पिलाना है, और बच्चा भी खुद ही अपनी तरह से भी कुछ कुछ साइंस देने लगेगा, ताकि आप भी समझ जाएगी कि अब उसे भूख लगी है और उसके लिए फॉर्मूला मिल्क बनाकर उसे पिलाना है। अब हम बात करते हैं दो महीने से लेकर छः महीने तक के बेबीज़ की दूध की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो अब आपका बेबी जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, उसकी एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे उसकी भूख भी बढ़ती जाएगी। अब आपका बेबी एक समय पे 200 ml से लेकर 250 ml जितना फॉर्मूला मिल्क भी पी पाएगा। इसी तरह अगर हम 24 घंटे की यानी कि पूरे दिन की बात करें तो अब आपका बेबी की मिल्क की रिक्वायरमेंट 900 ml जितनी हो जाएगी। आपका बेबी पूरे दिन में 900 ml या फिर उससे थोड़ा कम या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा भी फॉर्मूला मिल्क पी पाएगा। अब बात करते हैं 6 मंथ प्लस बेबीज़ के बारे में। तो जैसे ही बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो जाता है, हम उसे धीरे धीरे करके सॉलिड फूड से इंट्रोड्यूस कराते हैं। बच्चे को हम दाल का पानी, चावल का पानी से शुरू करके हम बच्चे को फ्रूट की प्यूरी, वेजिटेबल्स की प्यूरी बनाकर देते हैं। जब बच्चा 8 महीने से ऊपर होने लगता है तब धीरे धीरे हम बच्चे को दलिया, उपमा, सूजी का हलवा, ये सब बनाकर हम बच्चे को देने लगते हैं। तो ऐसा करने से बच्चे की जो मिल्क की रिक्वायरमेंट है वो अब कम हो जाती है और मिल्क की रिक्वायरमेंट इन सब सॉलिड चीज़ों से वो रिप्लेस हो जाती है। इसलिए अब आपका बेबी जो पहले 6 महीने से पहले 900 ml तक जितना दूध पी लेता था, अब वह आपके बेबी की मिल्क की रिक्वायरमेंट 600 ml तक सीमित हो जाएगी। और अगर आपके बेबी की मिल्क की रिक्वायरमेंट 600 ml से भी थोड़ी कम हो जाए तो आप इस बात से परेशान ना हो, अब आपका बेबी सॉलिड खाने लग गया है, इसलिए आप बच्चे को मिल्क से बनी चीज़ें जैसे कि सूजी की दूध से बनी खीर या फिर चावल की खीर या फिर दही, ये सब देखकर भी बच्चे की मिल्क की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है।
अब बात करते हैं 10 से लेकर 12 महीने तक के यानी कि 1 साल तक के बच्चे की मिल्क की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो अब तो आपके बेबी ने सब सॉलिड फूड लेना स्टार्ट कर दिया होगा, वो सारे सॉलिड्स फ्रूट्स या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि दही पनीर ये सब खाने लग जाएगा, इसलिए अब उसकी मिल्क की रिक्वायरमेंट और भी कम हो जाएगी। अब आपका बेबी पूरे दिन में 400 ml से लेकर 500 ml जितना ही मिल्क पिएगा। इसी के साथ आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि अब आपके बेबी ने सब सॉलिड फूड लेना स्टार्ट कर दिया है उसका मतलब ये नहीं है कि अब आपको उसे दूध देना बंद कर देना है। छोटे बच्चे को कम से कम 1 साल तक ब्रेस्ट फीड या फिर फॉर्मूला देना कंपलसरी है, क्योंकि बच्चा जो भी कुछ सॉलिड फूड लेता है उसमें से उसकी बॉडी को जरूरी सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते, और दूध जो है वो कंप्लीट फूड है, इसलिए बच्चे के लिए जो भी कोई न्यूट्रिशंस है वो उसे सॉलिड में से जो नहीं मिलते वो मिल्क में से मिलते हैं। इसलिए आपको बच्चे को कंपलसरी 1 साल तक तो फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट फीड कराना ही है। और जैसे ही आपका बेबी अब 1 साल का हो जाता है तो वो धीरे धीरे सब कुछ सॉलिड फूड जो है वो खाना सीख जाता है, तो अब आप उसे फॉर्मूला मिल्क देना बंद कर सकती है और उसे गाय का दूध देना स्टार्ट कर सकती है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो बच्चे को कितनी मात्रा में कितने समय पे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है उसके लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन जो भी न्यू मदर्स है उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आपको बच्चे को हर 2 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना है, और साथ में ही जब भी आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएं बच्चे को हर एक ब्रेस्ट पे 15-15 मिनट तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग देना है। वैसे भी जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं उन्हें जब भी भूख लगेगी वो अपनी माँ को ऐसे कुछ इशारे करेंगे, रोएंगे या फिर अपने हाथ पैर हिलाएंगे, जिससे मदर को पता चल ही जाता है कि बच्चे को भूख लगी है और उसे अब ब्रेस्ट फीडिंग कराना है। और जैसे ही बच्चे का पेट भर जाएगा वो अपने आप ही आपका दूध पीना बंद कर देगा, और अगर बच्चे ने गलती से ज्यादा दूध पी भी लिया होगा तो वो उसे वॉमिट के जरिए बाहर निकाल देगा। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चे करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये थी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके बच्चे की फॉर्मूला मिल्क की और ब्रेस्ट मिल्क की रिक्वायरमेंट के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपना एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, साथ में ही हमारे और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकती हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।